So nothing ever regrows new hair. So you know, somebody says you stand on your head, somebody says you know you walk on a nail, or somebody says you apply elephant's tooth powder, or you apply this oil or that oil. Remember, my friends, no treatment in the world can regrow new hair. The only way for you to regrow new hair is by a transplant, which is the surgical method, or the non-surgical. If the area of balding has become too big, then you have the non-surgical, which is a system which is attached to the hair. So these are two options, surgical and non-surgical, which we have. The third option which we have is where you, if you don't want to do the surgical, you don't want to do the non-surgical, then there's a wonderful treatment called AnaCover, which we simulate your look as if you've done a crew cut. Like all the footballers in the world have AnaCover. So you will look, feel that they have hair, but they've done a crew cut. So you can create an AnaCover. So these are three things which you can do to get hair back again. But there is no treatment ki ye dawai khane se ya ye tel lagane se ya ye karne se baal wapas aa jayenge. And there is never a before and after photograph in trichology. Please remember this. Doctor, let's talk about the three treatments with respect to pros and cons and who should do it, and also a bit about the, you know, costing, you know, that kind of thing. So transplant, the hair transplant is normally done in people who have smaller areas of balding. Let's say you're balding at the vertex or you're lost the hairline. You must have donor area at the back to do a transplant. Okay. The latest technology in the transplant is पीछे के बालों के जड़ को निकाल के आगे डालते हैं और उसमें से बाल ग्रो होना चालू हो जाता है 3 हफ्ते के बाद और 1 साल में पूरा कवर हो जाता है. इसमें भी दो तरीके हैं. एक है कि कोई कट नहीं, कोई स्टिचेस नहीं, लेकिन पूरा गंजा होना पड़ता है. और दूसरा है कि कोई टाके नहीं, कोई कट नहीं और गंजे होने की भी ज़रूरत नहीं है. इसको नॉन शेव टेक्निक बोलते हैं. तो ये दो टेक्निक्स है ट्रांसप्लांट की. जो टेक्निक है जहाँ पर कोई कट नहीं होता, कोई स्टिचेज नहीं होते, लेकिन आपको गंजा करना पड़ता है, तो वो करीबन 55,000 से 65,000 के बीच में होता है. और जहाँ पे नॉन शेव है, जहाँ पे आपको गंजापन होने की ज़रूरत नहीं है, वो 1,10,000 से 1,25,000 के बीच में होता है. सो दीज आर द टू ट्रांसप्लांट टेक्निक्स. आज के ज़माने में स्किन को काटना, टाके लेना, ये सब अभी आउटडेटेड हो गया है. अगर बॉल्ड एरिया ज़्यादा हो गया है, बॉल्डिंग में 7 स्टेजेस होते हैं, तो 5वां, 6ठा या 7वां स्टेज अगर बॉल्डिंग का है, तो उसमें ट्रांसप्लांट काम नहीं करेगा. क्योंकि जो बाल चाहिए आपको, वो चाहिए करीबन 16,000 और आप दे सकेंगे समझो 4 या 8,000. तो उसके लिए फिर सिस्टम होता है जो नॉन सर्जिकल बोलते हैं, जिसको बालों के साथ जॉइन किया जाता है. जितने ज़माने में उसको विग बोला करते थे. विग बालों के ऊपर जाती है, इसलिए चिड़िए के घोंसले जैसे दिखती है. फिर विग निकल गया, फिर वीविंग आया. वीविंग आया तो बालों के साथ जॉइन होता है, लेकिन नीचे जो बेस है वो नेट से होता है. तो इसीलिए फिर वो बहुत अनकम्फर्टेबल होता था और हवा का झोंका आया तो नेट दिखता है. अब जो लेटेस्ट है, जो स्विस लेस सिस्टम बोलते हैं, तो हवा का झोंका आएगा, कुछ भी आएगा, तो नीचे चमड़ी दिखेगी. आप स्विमिंग करो, आप शैम्पू करो, आप कलर करो, आपको जो करना है आप कर सकते हैं. और इसको नॉन सर्जिकल बोलते हैं. और इसका करीबन कॉस्ट 18,000 से लेके 50,000-60,000 तक होता है, डिपेंडिंग ऑन आप क्या चूज़ करते हैं. पर ये कितनी देर तक लास्ट होता है? अगर ये भी अलग अलग है. ऐसे भी सिस्टम आते हैं जो 2 साल चलते हैं, ऐसे भी सिस्टम है जो एक ही बार पहनने का और फिर निकाल देने का. ओके, राइट. या तो अलग अलग टाइप के होते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपका शौक कैसा है, आपका आपको क्या चाहिए. राइट. और लास्ट AnaCover जो है, जो पूरे बालों को हम सिम्युलेट करते हैं, आपको लगेगा ये 2 घंटे का प्रोसीजर है, एक बार किया जिंदगी भर, बाद में कुछ करने की जरूरत नहीं है. और जिंदगी भर सबको ऐसे लगेगा कि भाई आपके पास बाल है लेकिन आप क्रू कट कर रहे हैं. वास्तव में आप गंजे हैं, लेकिन आप गंजे कभी दिखेंगे नहीं. तो ये 2 घंटे का प्रोसीजर है, ये 50,000 से 1,00,000 रुपये का होता है, लेकिन वो जिंदगी भर फिर चलेगा. ये सारे जब प्रोसीजर्स हम करते हैं, तो इसमें क्या कोई दर्द होता है? कोई यू नो कितने दिनों तक, कुछ घंटों का दर्द कैसा होता है? ये जो ट्रांसप्लांट की टेक्नोलॉजी है, राइट, उसमें मैंने बताया कि अभी कोई कट नहीं है, कोई स्टिचेस नहीं है, कोई यू नो कुछ भी नहीं है. हाँ. तो एक्चुअली तो वो नॉन इन्वेसिव, मिनिमल इन्वेसिव बोलते हैं हम इसको. ओके. राइट. तो इसमें भी दर्द बहुत 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 कम होता है. ओके. और जो दर्द होता है वो लोकल एनेस्थेसिया देते हैं उसका ही होता है. अच्छा. क्योंकि बाकी ट्रांसप्लांट का तो कोई दर्द ही नहीं है. और नॉन सर्जिकल में तो बिल्कुल दर्द नहीं है. Okay. और AnaCover में भी जो है बहुत कम दर्द है. तो दर्द नाम की चीज अब यू नो बालों के ड्यूरिंग द प्रोसीजर है, बहुत कम है. राइट. बहुत मिनिमल है. राइट. सो ये सब जो डिसाइड करना होता है कि कौन सा प्रोसीजर करना है, ये क्या ट्राइकोलॉजिस्ट डिसाइड करेंगे या आप कॉस्ट के हिसाब से चूज कर सकते हैं? ट्राइकोलॉजिस्ट भी चूज करेगा, आप भी चूज करेंगे. राइट. और क्या वास्तव में आपके बालों का हाल है, वो डिसाइड करेगा कि क्या कर सकते हैं. ओके. सो ये रहे बॉल्डिंग के ट्रीटमेंट ऑप्शंस. इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस. थैंक्स फॉर वॉचिंग.